की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे गोड्डा की, जहां साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तीसरा आरोपी भी नाबालिग है, तो ये शर्मसार करने वाली खबर आई थी गोड्डा से। आश्रम में साध्वी के साथ गैंगरेप हुआ था और अब इस मामले में तीन आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरे आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है और ये जो तीसरा आरोपी है वो भी नाबालिग ही है। शर्मसार करती ये तस्वीर आई थी गोड्डा से, साध्वी के साथ आश्रम में, मेही ऋषि आश्रम, और वहीं पर गैंगरेप हुआ था और उसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो भी नाबालिग ही है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी नरेंद्र से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये भी नाबालिग है और देखिए किस तरह से सबने मिलकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। जी, ये एक दुखद घटना कहा जाए गोड्डा जिला के लिए, शर्मनाक कहा जाए। इसने जिस तरह का वारदात किया गया, आश्रम घुसे साधु का इस तरह का हरकत करना, और ये जब एक आरोपी छोड़ के जो भी अभी तक आए दो आरोपी आए हैं, इसमें से दो नाबालिग आ जा रहा है, कहीं कहीं से लगता है कि समाज गोड्डा समूह के लिए, एक नाबालिग के लिए भटकाव की ओर जा रहा है कि समाज को जो पढ़ने के उम्र में लोग अपराधी हैं, कांडों में ज्यादा संलिप्तार दिखी जा रहे हैं, इसलिए गोड्डा जिले के लिए कहीं कहीं बहुत शर्मनाक कहा जाए। और बाकी कितने अपराधी और बचे हैं जिनकी तलाश चल रही है नरेंद्र? प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वहाँ बताया जा रहा कि चार से पाँच की संख्या में आए थे, लेकिन अब वही चार या पाँच बताया जा रहा है, तो फिर चार ही या पाँच हो सकता है, उसको लोग कन्फर्म नहीं है, लेकिन वही एक और कहा जाता है, अब एक ही अब बचा हुआ, अब देखना है कि इसे चौथा आरोपी अब बालिग है कि नाबालिग है। चलिए अब तो छानबीन के बाद पता चलेगा, एक आरोपी की और तलाश चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गोड्डा में गैंगरेप साध्वी के साथ हुआ था और इस मामले में तीन आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और जो तीसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो भी नाबालिग है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और बचे आरोपियों की भी तलाश सघनता से चल रही है।